क्या हो गया? एसएमई का मतलब समझते हो? हम्म, स्पाइनल मस्कुलर, अरे सब समझते हो? हाँ देखो कितना अच्छा है वो, सब कुछ तो सही है। हाँ पूरे अच्छे से सही हो जाएगा। हंसते कितने अच्छे हो, हाँ बड़े हो जाओगे ना तो तुमको पढ़ाएंगे हम, अब तब पढ़ के नहीं आओगे तो बहुत पिटाई करेंगे। पिटाई के नाम पे कोई हंसता है क्या? सही हो जाओगे तुमको, हाँ देखो तो सब लोग तुम्हारे लिए कितना करते हैं लोग। हाँ सब पता है तुमको। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मशहूर शिक्षक खान सर और मीडिया जगत के किंग कहे जाने वाले मनीष कश्यप के बारे में। दोस्तों आए आंच को तो आप लोग जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसका एक इंजेक्शन का कीमत 16 करोड़ है। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि 16 करोड़ कितनी बड़ी रकम है, जो कि किसी मध्यम वर्ग के परिवार के लिए अकेले जुटाना संभव नहीं। दोस्तों आए आंच को बचाने के लिए मनीष कश्यप जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने खुद दिन रात लोगों से अपील कर रहे हैं और उन्होंने आए आंच के माता पिता के साथ खान सर से भी मिलने गए, तो खान सर ने क्या कहा आप लोग खुद सुनिए। ये छोटा बच्चा हम आयांश है, इसको तो पूरे भारत के लोग जानते हैं, हाँ क्यों जानते हैं ना, लेकिन आपके इतना इस बच्चे को नहीं जानते हैं। ये बच्चा भी बड़ा होगा, ये भी देश का नाम रोशन करेगा। जब अब्दुल कलाम ट्रेन में अखबार बेचते थे तो आपको पता था कि राष्ट्रपति हो जाएंगे? नहीं पता था। तो फिर इसको कैसे जान गए कि इसको देश के लोग नहीं जानेंगे? अच्छा देश के लोग इसको जानते हैं अभी, लेकिन इसको आप गोद में क्यों खिला रहे हैं? छोटे बच्चे भगवान के रूप होते हैं। अब देखिए इसके साथ बेचारे के साथ ऐसा प्रॉब्लम ही हो गया। देखो तो बाबू यहाँ पे अब इसको इंजेक्शन वगैरह का एसएमए टाइप, एसएमए वाली बीमारी, तो वो एक अजीब कही बीमारी है, इतने छोटे बच्चों को इतना कॉस्टली है कि किसी का भी कमर टूट जाएगा। इवन यहाँ पे अब मजबूरी रहती है कि सब लोग एक दूसरे के सहयोग से ही इसको ठीक किया जा सकता है, और सहयोग नहीं रहेगा तो फिर नहीं ठीक हो सकता है। देश है यहाँ पे, सब लोग का सहयोग रहेगा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, है कि नहीं अयांश? बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे तुम। अच्छा इतना भावना आपके अंदर बच्चों के प्रति कैसे? हमें बच्चे बहुत पसंद हैं। अनाथ आश्रम में भी आप जाया करते थे? हाँ हमें छोटे बच्चे बहुत पसंद। नहीं 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 आइए, हम ये जब से आया है तब से आपको देख के हंस रहा है। बदमाश बहुत है ये, बहुत ही। हाँ हाँ अरे नहीं कुछ नहीं होगा तुमको, जब हमको नहीं पहचान रहे हो, खान सर है हम। बहुत पिटाई करते हैं क्लास में। हाँ स्माइल कर रहा है। बहुत क्यूट है। इसका भी इंटरव्यू लीजिए। अच्छा ये तुम खान सर के गोद में हो, पता है तुमको? एटीट्यूड दिखा रहा है, क्योंकि इसको पता है कि मैं बचपन में इतना फेमस हो गया, खान सर तो इतने बड़े होके फेमस हुए हैं। बहुत जल्दी ये भी ठीक हो जाएगा, और बहुत ज्यादा का भी तो अभी इंतजाम भी तो नहीं है, आधा हो गया है, आधे से अब थोड़ा ही सा बचा है। तो कहा जाता है कि आधे रास्ते से लौटने से बेटर है कि उधर ही चलते हैं, मंजिल मिल जाएगी। तो बहुत जल्दी है, तुम्हारा तो 70% के आसपास हो ही गया है, अब बहुत जल्दी तुम्हारे इंजेक्शन की तैयारी हो जाएगी। देश के सारे लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा, ये हम सब के लिए एक होता है कि ये आपसी सहयोग को दिखाता है, और ये देश के लिए अच्छी बात है कि सब एक दूसरे के लिए लोग आगे आते हैं। तो यानी हम सब मिलकर अब इस बच्चे को बचा लेंगे? कंफर्म बचा लेंगे, इसमें पूछना क्या चीज़ है? बस खान सर ने बोल दिया कि कंफर्म बचा लेंगे, और खान सर के गोद में ये देखिए कितना प्यार से खेल रहा है, स्माइल भी कर रहा है, तो ये बच्चे को हम लोग अब किसी भी हाल में बचा लेंगे। पढ़ाई करना पड़ेगा तुमको, तब जाके कुछ होगा, ऐसे थोड़ी होगा बाबू। बस बस बस।